मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान के एंटी इंडिया और जिहादी कैरेक्टर को एक बार फिर एक्सपोज करती है। भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नायक अगले महीने पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ मजहबी संगठन ने जाकिर नायक को निमंत्रण दिया। पहले से पाकिस्तान में हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी हैं। ये आतंकी सामने नहीं आते, लेकिन जाकिर नायक के स्वागत के लिए लंबे चौड़े इंतजाम तक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जाकिर नायक की पहली मंजिल है कराची, जो 5 और 6 अक्टूबर को होगा। कराची के बाद 2 दिन लाहौर में, फिर 19-20 अक्टूबर को कट्टरपंथी जाकिर नायक के कदम इस्लामाबाद में होंगे। ये पूरा स्केड्यूल है, ये पूरा कैलेंडर है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान ने जाकिर नायक को बुलाया क्यों है? जाकिर नायक के जरिए पाकिस्तानी कट्टरपंथी क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो जवाब इस रिपोर्ट में। 10 दिन पहले जाकिर नायक ने वक्फ संशोधन बिल पर एक कैंपेन चलाया था, भारत के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। जाकिर ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चलाया। जाकिर की ये साजिश तो कामयाब नहीं हो पाई, तो जाकिर नायक ने पाकिस्तान का रुख किया, जहां कराची और लाहौर की सड़कों पर जाकिर अपनी जहरीली तकरीरें दे। जाकिर नायक की पाकिस्तान यात्रा को लेकर अलग अलग अटकलें लग रही हैं, जिसमें एक शक है जाकिर की फरारी से जुड़ी। पिछले ही महीने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत आए थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अपनी यात्रा के दौरान अनवर इब्राहिम ने कहा था, अगर भारत से ठोस सबूत मिले तो जाकिर नायक के मलेशिया से प्रत्यर्पण को लेकर विचार किया जा सकता है। क्या यही बयान जाकिर के अंदर डर पैदा कर गया है? क्या जाकिर को लग रहा है कि मलेशिया से उसे भारत लाया जा सकता है? क्या भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए जाकिर नायक अब पाकिस्तान में शरण लेना चाहता है? क्या प्रत्यर्पण का डर ही वो वजह है जिसके चलते जाकिर नायक अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान जा रहा है? ये तो तय है कि अगर जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंच गया तो उसको भारत लेकर आना काफी मुश्किल साबित होगा, और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। कुछ वक्त पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में बिहार के भागलपुर से मोहम्मद मकसूद नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था। जब मकसूद से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो जाकिर नायक के कट्टरपंथी साहित्य से प्रभावित हुआ था। जाकिर नायक अगर मलेशिया से बैठकर बिहार के भागलपुर में किसी नौजवान का ब्रेन वॉश कर सकता है, तो अगर ऐसा किरदार पाकिस्तान के हाथ लग गया तो जाकिर नायक को पाकिस्तान भारत में उन्माद और कट्टरपंथ फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जाकिर नायक की जहरीली तकरीरें और पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क आतंकवाद का नया खतरनाक हथियार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।